Good morning everyone, greetings of the day. I hope you all are fit and fine and you all are very well, very good, and you all are doing study at home. So as you can see the topic, student, in today's class we are going to do chapter number 4, that is water, our life. So as we know that water is very precious for us, water is very important for us, everyone need water to survive on the planet earth, okay. So in today's class we are going to read about the needs, the want and the importance of water in our daily life, okay. Let's roll the chapter. Water is necessity of life. So water is very important, water is very important for living things. Without water we can't survive on earth, okay. It is the most precious gift of nature. So water is very important, it is very precious, बहुत महत्वपूर्ण gift है जो nature ने हमें दिया है. Water जो है बहुत महत्वपूर्ण gift है, nature से हमें मिला है, okay. All living things from the tiniest insect to the tallest tree, from the tiniest insect to the tallest tree, everyone needs water to survive. सबको पानी की जरूरत है, छोटा insect से लेके बड़ा हाथी तक सबको पानी की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, ओके. वॉटर इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स. सो इन एवरीथिंग वॉटर इज प्रेजेंट. कोई भी चीज है, जितने भी चीज है, सब में पानी प्रेजेंट होता है. वी ईट एंड ड्रिंक लाइक वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क. सो व्हेन वी ईट वेजिटेबल, व्हेन वी ईट फ्रूट्स, वॉटर इज देयर इन द वेजिटेबल्स, वॉटर इज प्रेजेंट इन द वेजिटेबल एंड द फ्रूट्स दैट वी ईट. हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं, डेली फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है, और बिकॉज ऑफ वाटर वो फ्रूट जो होता है जूसी होता है, ओके. लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर. सो बिकॉज ऑफ द वाटर लाइफ इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ. क्योंकि पानी है अर्थ पे, क्योंकि पानी है पृथ्वी पे, इसलिए क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, ओके. पानी की वजह से क्या है, लाइफ अवेलेबल है अर्थ पे, ओके, एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, ओके. नाउ लेट्स, नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ वाटर. सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर. सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. फ्रॉम रेन वी गेट द वाटर. रेन इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर. फ्रॉम रेन वी गेट वाटर, ओके. हमें पानी जो है बारिश से मिलती है, और पानी का जो स्रोत है वो क्या है, वो रेन है, ओके. रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. सो रेन वाटर क्या है, रेन वाटर जो है प्योरेस्ट है, सबसे साफ पानी है. इट ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर, एंड रेन इज ऑल्सो मेन सोर्स ऑफ वाटर. वी गेट रेन फ्रॉम द क्लाउड. सो फ्रॉम द क्लाउड वी गेट रेन. हमें क्या मिलती है, हमें क्लाउड से पानी मिलता है, ओके. क्लाउड आर फॉर्म व्हेन द एवेपोरेटेड वाटर वेपर रीच हाई अप. और हमें क्लाउड से पानी कैसे मिलता है, जब नीचे का पानी वेपर बन के स्टीम होके ऊपर जाता है और वो क्लाउड के फॉर्म में होता है, देन वो नीचे आता है, ओके, एज रेन. इन द कूल एयर दे कंडेंस एंड कलेक्ट ऑन पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर. रेन वाटर फिल्स पाउंड, रिवर, सी एक्सेट्रा. सो क्या होता है, पानी जो है गर्म होके, कंडेंस होके ऊपर जाता है वेपर बन के, और ऊपर जाके क्या होता है, क्लाउड बन जाता है. जब क्लाउड हैवी हो जाता है तो एज अ फॉर्म ऑफ रेन वो नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद क्या होता है, जितने भी पाउंड्स, रिवर्स एंड सी होते हैं वापस से फिल हो जाते हैं, ओके. नेक्स्ट वन इज वाटर ऑन सरफेस. सो फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, व्हाट आर द सरफेस वी सी वाटर, वी विल रीड अबाउट, ओके. रेन वाटर दैट रन ऑफ द ग्राउंड इज नोन एज वाटर ऑन सरफेस. सो द रेन वाटर विच फ्लोड ऑन द ग्राउंड दैट इज कॉल्ड वाटर सरफेस, ओके. जो पानी जमीन के ऊपर रहता है दैट इज सरफेस वाटर, उसको सरफेस वाटर कहा जाता है, ओके. दिस वाटर रीच टू पाउंड, लेक, रिवर, सी. और यही सब पानी क्या होता है, पाउंड में जाता है, रिवर में जाता है, लेक में जाता है, ओके. देर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर, रेन फीड रिवर एंड स्नो फीड रिवर. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर, रेन फीड रिवर और स्नो फीड रिवर. रेन फीड रिवर क्या होता है, थ्रू रेन जो है पानी आता है सारे जगह पे, जैसे पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गया, सी हो गया. बट स्नो फीड में क्या होता है, स्नो फीड में
जो बर्फ जमी होती है पहाड़ों पे वो मेल्ट होके एज अ फॉर्म ऑफ वाटर आता है और वो फिल करता है सी और रिवर्स में. ओके, द साउथर्न रिवर लाई कावेरी गंगोत्री सॉरी गोदावरी डैट यूजली डू ड्राई इन समर. सो ये जो रिवर है कावेरी हो गया गोदावरी हो गया वो क्या होता है यूजली ड्राई हो जाते सूख जाते समर में. इन द मंथ ऑफ समर ऑल द रिवर्स वेंट ड्राई सूख जाते. ओके, अमाउंट ऑफ वॉटर इन दिस रिवर फ्लक्चुएट फ्रॉम सीजन टू सीजन. और इसमें क्या होता है रिवर्स में क्या होता है अमाउंट ऑफ जितना भी पानी होता है वो कम ज्यादा होते रहता है फ्लक्चुएट होता रहता है कम ज्यादा होते रहता है. ओके, दीज आर कॉल्ड रेनफीड रिवर्स और इसे रेनफीड रिवर कहा जाता है. ओके, द नॉर्थर्न रिवर लाइक गंगा यमुना हैव प्लेंटी ऑफ वॉटर थ्रू आउट द ईयर. सो फॉर इन गंगा एंड यमुना वहां पे क्या है उस रिवर में बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ वॉटर बहुत ज्यादा पानी होता है थ्रू आउट द ईयर हर हमेशा पूरे साल वहां पे बहुत ज्यादा पानी होता है. ओके, पानी से भरा ही रहता है. एज दे कैरी वॉटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो इन द हाई माउंटेन. क्यों भरा रहता है क्योंकि क्या होता है स्नो क्या होता है धीरे धीरे मेल्ट होके पानी के फॉर्म में वो आता रहता है इसलिए कभी भी गंगा और यमुना का पानी कम नहीं होता है. ओके, द रिवर्स आर कॉल्ड स्नो फीड रिवर एंड दैट रिवर आर कॉल्ड स्नो फीड रिवर क्योंकि वो स्नो का पानी आता है. ओके, एंड इन कावेरी और गोदावरी में एज अ रेन पानी आता है इन गंगा यमुना में स्नो जो है मेल्ट होके फिर आता है. ओके, नेक्स्ट वन इज अंडरग्राउंड वॉटर मतलब जमीन के नीचे वाला पानी. ओके, ड्यूरिंग द रेन सम ऑफ द रेन वॉटर सीप इन टू द ग्राउंड एंड पास थ्रू वेरियस लेयर ऑफ सॉइल. ओके, सो ड्यूरिंग द रेन जब भी रेन आता है तो कहाँ जाता है पानी पानी जमीन के अंदर जाता है. ओके, और सॉइल क्या करता है सॉइल से कंज्यूम कर लेता है सोख लेता है अंदर अंदर पानी चला जाता है. ओके, लेयर सॉइल के लेयर्स में पानी जाता रहता है. ओके, इट कलेक्ट एंड ब्रीच द लेयर ऑफ सॉइल रॉक और जब तक सॉइल रॉक के सतह पर नहीं जाता तब तक पानी वो कंज्यूम करता है सॉइल. ओके, सोखता है. इट कलेक्ट हेयर एंड कॉल्ड अंडरग्राउंड वॉटर और उसे क्या बोलते हैं कलेक्शन ऑफ दैट वॉटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वॉटर. ओके, और जो पानी जहां कलेक्ट होता है नीचे दैट इज अंडरग्राउंड वॉटर. ओके, वेल्स ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप्स आर यूज टू ड्रॉइंग आउट दिस वॉटर. सो वी यूज वेल्स एंड हैंडपंप्स तो हम लोग ये सब चीजें क्या करते हैं यूज करते हैं अंडरग्राउंड पानी को निकालने के लिए. ओके, पानी जो अंडरग्राउंड है नीचे उस पानी को निकालने के लिए हम वेल ट्यूब्स एंड हैंडपंप का यूज करते हैं ताकि वो पानी को यूज में ला जाए अंडरग्राउंड पानी को यूज में लाया जाए. ओके, विद द रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पीपल आर ड्रॉइंग आउट मोर एंड मोर वॉटर एंड केयरलेसली डंपिंग द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वॉटर. सो अभी क्या हो रहा है अभी क्या हो रहा है पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंसान बढ़ रहे हैं सो हम लोग का नीड्स भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है. जैसे जैसे इंसान बढ़े वैसे वैसे हमारा नीड्स बढ़ रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे हमारा नीड्स बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी जो है खत्म होता जा रहा है. ओके, सो अंडरग्राउंड लेवल का भी पानी जो है वो धीरे 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 खत्म होता जा रहा है. ओके, बिकॉज हम लोग जो है पानी बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं ठीक से यूज नहीं करते हैं जब भी हम ब्रश करते हैं तो पानी ऐसे खुला छोड़ देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए. रीयूज करना चाहिए पानी. ओके, अगर पानी रीयूज करोगे तो आप पानी को सेव करोगे. ओके, जैसे आप घर में कुछ भी क्लीन करते हो या फिर आप घर में वेजिटेबल्स वॉश करते हो तो पानी को नहीं फेंकना चाहिए उस पानी को आपको प्लांट में डाल देना चाहिए. सो ऐसे पानी आप क्या कर सकते हो सेव कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन इज वॉटर इन द सी एंड ओशियन. सो वॉटर इन द सी एंड ओशियन द वॉटर इन द सी एंड ओशियन formed by the most of water on land. Okay, so sea और ocean में क्या होता है सबसे ज्यादा पानी होता है. Okay, sea and ocean जो है उसमें सबसे ज्यादा पानी होता है और वो जो है पानी जो है land पे सबसे ज्यादा sea और ocean में ही होता है. Rivers flow down mountains to the plains and finally join the sea. So rivers क्या होता है rivers जो है पानी rivers का पानी flow करता है डाउन द माउंटेन प्लेन एंड फाइनली गो इन टू द सी. ओके, सारा पानी जो है फ्लोट होके कहाँ जाता है सी में जाता है. ड्यूरिंग दिस कोर्स रिवर कैरी आउट द डिसॉल्व सॉल्ट अलोंग विद देम और इसके साथ क्या करता है सी जो होता है
उसके साथ वो क्या करता है, डिसॉल्व सॉल्ट भी कैरी करता है. ओके, दिस इज वाई सी वॉटर कंटेन्स मेनी सॉल्टी, और इसके वजह से क्या है, सी वॉटर जो है बहुत सॉल्टी है. ओके, क्योंकि उसमें जो है जब वो पानी जाता है तो वो क्या करता है, जितने भी सॉल्ट होते हैं वो गल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं पानी में, इसलिए सी वॉटर जो है खारा होता है. ओके, सॉल्टी होता है. एंड दिस इज द रीजन वाई सी वॉटर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ड्रिंकिंग, और इसलिए कहा जाता है कि समुद्र का पानी हमें नहीं पीना चाहिए. ओके, सच अ टाइप ऑफ वॉटर विच कंटेन अ लॉट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड हार्ड वॉटर, और जिस पानी में बहुत ज्यादा नमक होता है उसे हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं, और दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, और उस पानी को पिया नहीं जा सकता है. ओके, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता. ओके, द सी मेल्ट्स द लैंड एट द प्लेस कॉल्ड कोस्ट, और जो सी जो होता है लैंड पे मिलता है दैट इज कॉल्ड कोस्ट, जब दो सी एक लैंड पे मिलते हैं उसको हम लोग कोस्ट कोस्ट बोलते हैं. ओके, किनारा. ओके, टू चेक द फ्लो ऑफ वॉटर इन रिवर डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, सो टू शो द टू नो द फ्लो ऑफ वॉटर, जैसे वॉटर की रफ्तार कितनी है उसको जानने के लिए रिवर्स के पास क्या बना था, डैम बना जाता ताकि उधर का पानी इधर ना आए. ओके, इन द फॉर्म ऑफ यूज रिजर्वेशंस कैनल्स एंड ड्रग्स आर डिवाइडेड वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू एग्रीकल्चर फील्ड, और ये पानी को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है और कैनल में भी स्टोर किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज टैप वाटर. इन द सिटीज एंड ऑल्सो इन सम विलेजेस वी गेट टैप वाटर, सो इन सिटीज एंड विलेज क्या है, नल का पानी आता है. सो बहुत सारी विलेजेस में भी अब नल से पानी नल में पानी आता है, एंड बहुत सारे सिटीज में भी बहुत सारे सिटीज में नल होते हैं जिससे पानी आता है. बिफोर सप्लाइंग द वॉटर थ्रू द टैप्स, पानी को सप्लाई करने से पहले टैप में इट इज रूटेड थ्रू इट इज वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. ओके, सो पानी को सप्लाई करने से पहले चेक किया जाता है कि पानी साफ है या नहीं, तभी वो हमारे घरों में आता है. हियर द रॉ वॉटर इज द फर्स्ट सब्जेक्टिव टू सेडमेंटेशन आफ्टर लोडिंग विद द अलाउ दैट हैवी मडी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, और जब भी पानी भेजा जाता है तो उसको चेक किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है और चेक किया जाता है कि पानी कितना साफ है, तभी वो हमारे घरों में आता है. ओके, द डिक्लेरेशन इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ द क्लीन वाटर थ्रू द टैप थ्रू द टॉप ऑफ द सेडमेंटेशन टैंक. ओके, सो उसके बाद क्या होता है, जब पानी साफ हो जाता है और क्लीन हो जाता है उसके बाद उसको टैंक्स में भेजा जाता है, देन थ्रू पाइप्स हमारे घरों में पानी आता है. ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्म्स ऑफ वॉटर. सो देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वॉटर, दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस. सो वॉटर हैव थ्री फॉर्म, दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस. ओके, पानी जो है सॉलिड फॉर्म में भी होता है, पानी जो है लिक्विड फॉर्म में भी होता है, पानी जो है वो गैस फॉर्म में भी होता है. ओके, वॉटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म इन नेचर. नेचर में तीन फॉर्म में पानी है. कौन कौन से फॉर्म में वॉटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, सॉलिड दैट इज आइस फॉर्म. ओके, जब हम पानी को जब फ्रीजर में डाल देते हो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, आइस फॉर्म में हो जाता है. ओके, दैट इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वॉटर. देन इट्स लिक्विड फॉर्म, जब हम नॉर्मली पानी पीते हैं दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, द वॉटर इज इन लिक्विड फॉर्म जो पानी हम पीते हैं. ओके, एंड द गैस स्टीम और वेपर. सो गैस फॉर्म में तब होता है जब हम पानी को स्टीम करते हैं, जब पानी को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वेपर बन के ऊपर जाता है, दैट इज इन गैस फॉर्म. ओके, दीज फॉर्म कैन चेंज फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर, और इन तीनों फॉर्म को एक दूसरे के फॉर्म में चेंज किया जाता है. आइस को मेल्ट करके लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड को चेंज करके आप गैस बना सकते हो, गैस को चेंज कर सकते हो, आप देन वाटर बना सकते हो. ओके, इस तीनों फॉर्म को आप चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज एवोपोरेशन. सो एवोपोरेशन मीन्स भाप. ओके, ऑन हीटिंग वॉटर चेंज
टू द वॉटर वेपर. हम जब भी पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो हीट होके स्टीम होके ऊपर चला जाता है, भाप बन के ऊपर चला जाता है. ओके, पानी का फॉर्म चेंज हो जाता है जब भी हम पानी को हीटअप करते हैं. दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. और उस फॉर्म को क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन बोला जाता है. जब भी हम पानी को गर्म करते हैं एंड दैट चेंज इन टू वेपर और वेपर भाप में बदल जाता है, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. हीट फॉर्म ऑफ द सन कॉज वॉटर फ्रॉम लेक स्टीम सॉइल. ओके, पानी जो है हीट होके गर्म होके कहाँ कहाँ से जाता है, लेक से, स्टीम से और सॉइल से. ओके, टू टर्न इन टू वॉटर वेपर और वॉटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर जाता है. ऑपरेशन टेक प्लेस फास्टर वेन इट्स सनी विंडी एंड द एयर इज ड्राई. और इवेपोरेशन तब होता है जब बहुत ज्यादा गर्म हो, बहुत ज्यादा सूखा हो. ओके, बहुत हवा चल रही हो. ओके, तब जो है पानी जो है इवेपोरेट होके ऊपर जाता है. ओके, नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन द प्रोसेस. सो कंडेंसेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इंटू लिक्विड. ओके, मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इंटू लिक्विड. गैस के फॉर्म रहता है, देन वो लिक्विड के फॉर्म में नीचे आ जाता है. ओके, द प्रोसेस इन विच वॉटर वेपर चेंज इन टू ड्रॉप्स ऑफ वॉटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. सो पानी जब वेपर के फॉर्म में होता है, वो कंडेंस होके कूल होके पानी ड्रॉपलेट्स, पानी जो है एज अ रेन फॉर्म में नीचे आता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ओके, वी फाइंड वॉटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वॉटर केप्ट ऑन द टेबल. ओके, हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं कि जो ड्रॉपलेट्स हम जब भी कोई भी चीज रखते हैं, जब भी हम कोई भी ठंडी चीजें रखते हैं तो देखते हैं वो धीरे 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 जो है मेल्ट हो जाता है. ओके, ड्यू टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से. ओके, नेक्स्ट वन इज वॉटर साइकिल. द वॉटर फ्रॉम द रिवर्स, लेक, ओशन एंड द अदर वॉटर बॉडीज एवेपोरेट्स इन टू वेपर. ओके, सो क्या होता है, रिवर्स में, लेक्स में एंड द अदर बॉडीज में जो वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, इवेपोरेट होके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. द वेपर राइज एंड कूल्स डाउन फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और वेपर क्या होता है, वेपर राइज ऊपर जाता है, देन वो ठंडा होता है एंड एज द फॉर्म. ओके, वेपर जो है ऊपर जाता है, कूल होता है और वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज कंडेंसेशन. विच जॉइन टूगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड. वो उसको फॉर्म ऑफ क्लाउड, जब हम आप लोग देखते हो कि क्लाउड देखते हो ऊपर, दैट इज द वेपर विच इज टूगेदर. ओके, जो वेपर है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है वाटर के, वो क्या है, एक दूसरे से ज्वाइन होके क्लाउड्स के फॉर्म में रहते हैं ऊपर. एज मोर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन द क्लाउड इट बिकेम हैवी. ठीक है, और ज्यादा से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या होता है, जैसे जैसे ड्रॉपलेट्स क्लाउड से कनेक्ट होते जाते हैं, वो क्या होता है, क्लाउड जो है हैवियर होता रहता है. ओके, देन द वॉटर देन फेल एज रेन, हेल, स्नो एक्सेट्रा एंड द साइकिल बिगेन. उसके बाद क्या होता है, वॉटर जो है जब बहुत भारी हो जाता है क्लाउड, तो एज अ फॉर्म ऑफ रेन वो नीचे आ जाता है. ओके, और नीचे आके फिर से वो फिल हो जाता है इन द सी, इन द रिवर, इन द पाउंड्स. ओके, और फिर क्या होता है, फिर वो इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, कंडेंस होके नीचे आता है. ओके, और ये साइकिल जो है वॉटर साइकिल वो चलता ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है. ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ टू मेक द वॉटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. सो हाउ वी कैन मेक वॉटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. एज वी नो आवर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी शुड टेक क्लीन फूड, क्लीन वॉटर. ओके, टू कीप आवर सेल्फ फिट. द बेस्ट वे टू मेक ड्रिंकिंग वॉटर सेफ एंड हाइजीन इज टू बॉइल वॉटर. हम तभी पानी को साफ रख सकते हैं जब हम उसको अच्छे से उसको क्लीन करें, फिल्टर करें, या फिर फिल्टर नहीं तो उसको बॉइल करके पिए. ओके, और हमेशा साफ सुथरा और अच्छा पानी पीना चाहिए. बॉइलिंग किल्स जर्म्स. और जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें अंदर जो जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते, किल हो जाते हैं. ओके, आफ्टर बॉइलिंग अलाउ द वॉटर टू कूल बिफोर ड्रिंकिंग. और आफ्टर बॉइलिंग जब पानी गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा होना देना चाहिए, उसके बाद हमें पीना चाहिए. ओके, वॉटर स्टोर इन पॉट्स
preachers and other vessels should always be keep neat and clean. So हम जिस चीज में भी पानी स्टोर करते हैं, या हम मटके में पानी स्टोर करते हैं, या फिर हम यूटेंशियल में वेसल्स में जितने भी पानी जिसमें भी पानी स्टोर करते हैं, हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो है क्लीन स्टोर हो रहा है और उसको हमेशा कवर करके रहना चाहिए ताकि पानी जो स्टोर किया वो गंदा ना हो. ओके, दे शुड बी रेगुलर वॉश बिफोर स्टोरिंग वाटर. और जिस चीज में भी आप पानी स्टोर करते हो, एज वो बकेट है या फिर ड्रम्स है या फिर जिस चीज में पानी स्टोर करते हो, वो हमेशा याद रखेंगे वो साफ हो. ओके, वी शुड यूज अ कंटेनर विथ अ लॉन्ग हैंडल एंड डू नॉट डिप आवर ग्लास डायरेक्टली. ओके, हमें जो पानी जो है कंटेनर में रखना चाहिए, बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पानी निकाले तो पूरा हाथ डाल के पानी ना निकालेंगे, तो पानी फिर से क्या होगा, गंदा हो जाएगा. इफ यू डोंट डू सो द डर्ट एंड द जर्म्स ऑन योर हैंड एंड द ग्लास मे कंटेनमेंट द वॉटर. ओके, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके हाथ में जितने भी जर्म्स है, जो ग्लास में जर्म्स है, वो क्या होगा, वापस से वो पानी गंदा हो जाएगा, वो जर्म्स फिर से पानी में मिल जाएंगे, पानी गंदा हो जाएगा. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर. लेट्स सी द ब्लैक बोर्ड. ओके, सो आवर टॉपिक वॉज सोर्स ऑफ वॉटर. सो वॉट आर द सोर्स ऑफ वॉटर. सो द मेन सोर्स ऑफ वॉटर इज रेन. फ्रॉम रेन वी गेट वॉटर. ओके, वॉट आर द सर्फेसिस ऑफ वॉटर. वॉटर ऑन द सर्फेसिस. सो वॉटर ऑन द सर्फेस वेयर वी सी द वॉटर. कहाँ कहाँ वॉटर मिलता है, दैट इज इन रेन फील्ड एंड स्नो फील्ड. वॉटर फिल इन द रिवर्स एंड द वेल्स एंड द सी. सो वॉट आर द सोर्सेस, रेन फील्ड एंड रेन फील्ड रिवर एंड स्नो फील्ड रिवर. नेक्स्ट वन इज अंडरग्राउंड वॉटर. सो अंडरग्राउंड वॉटर, हाउ वी टेक अंडरग्राउंड वॉटर, बाय यूजिंग ट्यूब्स वॉल्स एंड द हैंड पंप्स. वी टू कलेक्ट द अंडरग्राउंड वॉटर वी यूज हैंड पंप्स एंड द ट्यूब वेल्स. ओके, नेक्स्ट वन इज वॉटर इन द सी एंड द ओशियन. सो हाउ वॉटर इन द सी एंड द ओशियन कम. ओके, नेक्स्ट वन इज टैप वॉटर, हाउ वॉटर प्यूरिफाई एंड कम्स इन आवर टैप्स. ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्म्स ऑफ वॉटर. सो देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वॉटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म. ओके, नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मीन्स इवेपोरेटिंग ऑफ वॉटर. ओके, नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन, मीन्स कंडेंसेशन ऑफ वॉटर. ओके, एंड लास्ट वन इज हाउ टू मेक द वॉटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. सो देर आर मेनी थिंग्स, सो वी शुड टेक केयर व्हाइल वी आर ड्रिंकिंग वॉटर. ओके, वी शुड टेक प्रिकॉशंस बिफोर वी आर ड्रिंकिंग वॉटर. ओके, नाउ लेट्स सी द डायग्राम. वॉट इज वॉटर साइकिल. ओके, सो वॉटर साइकिल क्या होता है, पानी जो है, सी का पानी जो है वो इवेपोरेट होके वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, देन वो क्लाउड फॉर्म में आ जाता है. जितने वॉटर ड्रॉपलेट्स है वो क्लाउड के फॉर्म में आ जाते हैं. ओके, देन क्या होता है, पानी कंडेंस होता है. कंडेंस होके जब क्लाउड हैवी हो जाता है तो कंडेंस होके नीचे आ जाता है एज द फॉर्म ऑफ रेन. ओके, एंड फिर रेन क्या होता है, फिर वो सी में जाता है, फिर सी का पानी क्या होता है, इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, फिर वो ऊपर जाके क्लाउड के फॉर्म में होता है. देन वो क्लाउड जब हैवी हो जाता है तो वो कंडेंस होके एज अ फॉर्म ऑफ रेन आता है, और ये साइकिल जो है वो चलता ही रहता है, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड वॉटर साइकिल. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन द चैप्टर आस्क मी ड्यूरिंग द क्लास आवर्स. ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. टेक केयर, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो मेंशन योर नेम इन द कमेंट बॉक्स. ओके, बाय बाय.